गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एशियन ब्यूटी शर्मिष्ठा। और मैं हूँ शर्मिष्ठा। आप लोगों ने बहुत दिनों से मुझसे डिमांड किया था कि मैं आप लोगों के लिए एक समर ब्राइटनिंग फ्रूट फेशियल लाऊं, तो इसीलिए आज ये वीडियो एक फ्रूट फेशियल है जिसमें मैं सिर्फ एक फ्रूट यूज़ कर रही हूँ, जो फ्रूट बहुत ईजिली हर एक जगह पे, हर एक कंट्री पे अवेलेबल है और हर सीजन में वो फ्रूट आपको मिलेगा। और ये फ्रूट बहुत ही सस्ता आता है, पर इसके जो बेनिफिट्स है वो बहुत ही ज्यादा है। ये हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है। इस फ्रूट से मैं ऑलरेडी एक हेयर मास्क बना चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या ऊपर आई कार्ड्स में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिए। आज इसके साथ मैं एक फ्रूट फेशियल करने वाली हूँ, जिसके बाद आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ब्राइट फील करेगी। और इसे करने में आपको हार्डली 15 से 20 मिनट लगेगा। इस फ्रूट फेशियल के लिए हम बनाना यूज करने वाले हैं, बनाना यानी कि केला। हम सिर्फ केला ही नहीं बल्कि केले का छिलका भी यूज करेंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे पीले दांत को सफेद बनाने के लिए, यानी कि हमारे येलो टीथ को व्हाइट बनाने के लिए हम केले का छिलका ब्रश करने से पहले या फिर ब्रश करने के बाद यूज करते हैं, तो इसी तरह से केले का छिलका हमारे स्किन को भी टैन फ्री ब्राइट बनाता है। फर्स्ट स्टेप है क्लींजिंग एंड स्क्रबिंग। क्लींजिंग और स्क्रबिंग के लिए मैं केले का छिलका यूज करूंगी। यहाँ पे मैं केले का छिलका निकाल रही हूँ। अभी मैं इस केले के छिलके से अपने फेस को जेंटली मसाज करूंगी। ये केले का छिलका मेरे फेस के लिए एक क्लींजर और एक स्क्रबर का काम करेगा। केले के छिलके में ल्यूटेन, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, कार्टिनॉइड्स, विटामिन मौजूद है, जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। केले का छिलका हमारे स्किन को मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट करता है, हमारे स्किन को ब्राइट बनाता है और ये रिंकल्स को हटाने में भी हेल्प करता है और हमारे स्किन को यंग और सॉफ्ट बनाता है। अभी मैं 2 से 5 मिनट इस केले के छिलके को अपने फेस पे रब करूंगी या फिर उतनी देर तक रब करूंगी जब तक कि ये व्हाइट जो पोर्शन है छिलके का वो ब्राउन ना बन जाए। और यहाँ पे हमारा क्लींजिंग और स्क्रबिंग खत्म है। अभी मैं अपने फेस को धो लूंगी प्लेन कूल वाटर से। नेक्स्ट स्टेप है फेशियल मसाज। उसके लिए मैं थोड़ा सा केले का टुकड़ा ले लूंगी। अभी इस केले के टुकड़े में मैं 1 टेबलस्पून हनी ऐड करूंगी और इन दोनों चीजों को मैं अपने हाथों से मैश कर लूंगी। अगर आप चाहो तो आप एक स्पून की हेल्प से भी इसे मैश कर सकते हो। इस फेशियल मसाज क्रीम को आप 2 से 5 मिनट अपने फेस में अच्छे से मसाज कीजिए, ऐसे जैसे मैं दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पे केले का इस्तेमाल किया है। केला यानी बनाना में मॉइस्चराइजर, पोटाशियम, विटामिन ई, विटामिन सी मौजूद है, जो हमारे स्किन को क्लियर बनाता है, हमारे स्किन को सॉफ्ट एंड हाइड्रेशन देता है, हमारे स्किन में एक ग्लो ऐड कर देता है। मैंने 1 टेबलस्पून हनी भी यूज किया है। हनी यानी शहद हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। शहद में एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स और प्रॉपर्टीज मौजूद है, जो हमारे स्किन से एक्ने को रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है। कोई भी जर्म या इन्फ्लेमेशन हो उसे भी रिमूव करता है। हनी में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में मौजूद है, इसलिए ये हमारे जो एजिंग प्रोसेस है उसे भी स्लो डाउन करता है, हमारे रिंकल्स को हटाने में हेल्प करता है। हनी में नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज मौजूद है, इसलिए हनी हमारे स्किन को ब्राइट बनाता है, हमारे स्किन में एक अलग सा ग्लो ऐड कर देता है। हनी हमारे स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेट भी करता है। मैंने 5 मिनट तक अपने फेस को मसाज कर लिया है। और लास्ट स्टेप है फेस पैक बनाना। फेस पैक बनाने के लिए मैंने 2 टुकड़े ले लिए हैं केले का उसके छिलके के साथ। और अभी इसमें मैंने 1 टेबलस्पून योगर्ट यानी दही ऐड किया है। फिर इसको आपको मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है और इसका एक थिक पेस्ट बना लेना है। ये मेरा पेस्ट रेडी है। इस पेस्ट को आपको अपने फुल फेस पे अप्लाई करना है। हमने जो क्रीम मसाज किया था बनाना और हनी का, उसके ऊपर ही मैं इस फेस पैक को अप्लाई करूंगी अच्छे से मेरे पूरे फेस में। इस फेस पैक में केले का छिलका यानी बनाना पील मौजूद है, जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, जो हमारे स्किन इरिटेशन या फिर एक्ने से फाइट करता है, हमारे कॉम्प्लेक्शन को बूस्ट करके हमें ब्राइट लुकिंग बनाता है। इस पैक में केला यानी बनाना है। बनाना में इतनी सारी न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और पोटाशियम मॉइस्चराइजर मौजूद है, जो हमारे स्किन को हाइड्रेट, स्मूथ और सॉफ्ट बनाता है, हमारे स्किन को अंदर से निखार के उसे ग्लोइंग इफेक्ट देता है। इस पैक में दही भी है। दही इंस्टेंटली हमारे फेस को मॉइस्चर ऐड करके उसे रिजुविनेट करता है, हमारे फेस से जो टैन है उसे रिमूव करता है, ब्राइट क्लीन फेस देता है, हमारे एक्ने से फाइट करता है, हमारे फेस में कोई भी ब्लिमिशेस या पिगमेंटेशन हो उसे रिमूव करता है, सनबर्न से फाइट करता है, हमारे फेस को एक ग्लोइंग परफेक्ट ब्राइट लुक देता है।
इस पैक को आप 10 मिनट तक अपने फेस पे रख के सूखने दें और 10 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लीजिए और पेट डाई कर लीजिए अपने फेस को। तो देखा फ्रेंड्स कितना इजी था बनाना फ्रूट फेशियल घर में ही करना, और ये आपके स्किन को ब्राइट बनाएगा, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा और इंस्टेंटली आप देख पाओगे आपकी कॉम्प्लेक्शन बूस्टअप हो गई है, स्किन बहुत ही फ्रेश एंड ग्लोइंग एंड स्मूथ फील कर रही है। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को बहुत सारा लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे फ्रेंड बन जाइए। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मैं आप लोगों से मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय, स्टे ब्लेस्ड।